हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबके अपनी ब्लॉग एंड रेसिपी में। आज मैं बनाने वाली हूँ चना फ्राई की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यह है गुलाबी चना, इसको मैं रात भर भिगा के रखी थी। इसमें एक डालेंगे एक बड़ा प्याज, एक टमाटर, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, धनिया थोड़ा सा ड्राई हो गया। अब इसके बाद इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच से थोड़ा कम बेकिंग सोडा, और एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और एक चुटकी हींग और एक चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हो। तो इसके लिए मैं पहले इसमें कुकर में इसको बॉईल करूँगी। तो चने को इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और एक गिलास पानी। पानी का ज़्यादा उपयोग नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, एक ही गिलास। उसके बाद गैस को ऑन कर लेंगे और कुकर को मढ़ा देंगे एक सीटी लगने तक। एक सीटी लग गया है, ये देखिए। तो इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। तो कुकर ठंडा हो गई है, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, चने बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है, बहुत मुलायम है। तो अब फिर से गैस को ऑन करेंगे और इसको कढ़ाई चढ़ा देंगे। तो कढ़ाई में डालेंगे 3 चम्मच ऑयल। तो मैं ज़्यादा ऑयल का उपयोग नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑयल हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो अब इसमें डालेंगे जीरा, जीरे के बाद डालेंगे हरी मिर्च और उसके बाद डालेंगे प्याज और तीनों को अच्छे से भून लेंगे। तो अब इसमें डालेंगे एक चुटकी हींग, और हींग मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट अभी बहुत अच्छा आएगा और ये हमारे सेहत के लिए पाचन में काम करता है। और उसके बाद इसमें डाल देंगे चने को और सभी को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये कितना अच्छा लग रहा है, भून गए हमारे चने। लेकिन अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो 1 चम्मच मिर्ची डाल देंगे, हल्दी, धनिया, गरम मसाला और नमक, और सभी को अच्छे से मिक्स करते हुए चम्मच चलाएंगे। और इसको भी डालने के बाद कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनना है। तो ये देखिए कितना अच्छा भून गया है, ये मैं चम्मच चलाते हुए भूनी हूँ। अब इसमें डाल देंगे टमाटर को और टमाटर को ढकते हुए इसको बंद कर देंगे और 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 1 मिनट के बाद देखिए, तो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है और इसका टेस्ट अभी बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए कितना अच्छा बन गया है ये। अब इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती। तो दोस्तों, और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।